क्या हो रहा है बेबी? कुछ नहीं। अरे इतना सुंदर चेहरा और सुबह सुबह मुंह फुला रखा तुमने, क्यों? सन्नी हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर एक काम करते हैं, इस बार हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इसको, क्या बोलती हो? हर बार ना तुम कोई ना कोई बहाना बना के ना घर आते ही नहीं हो, 2 साल से यही हो रहा है। तो पापा इस बार सेलिब्रेट करेंगे ना। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार हम दोनों आउट ऑफ स्टेशन चलते हैं, क्या बोलती हो? आउट ऑफ स्टेशन? और अपनी पत्नी को क्या बोलोगे? अरे यार तुम किसका नाम ले रही हो बेवजह? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच बेबी। प्यार करते हो? रहने दो तुम शादीशुदा इंसान हो, बट अनफॉर्चुनेटली हम इशिका को इग्नोर नहीं कर सकते। यार रिद्धि तुम सब कुछ जानती हो, फिर उसके बाद भी ये सब सवाल? यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। अरे यार क्या है यार, क्यों मुंह फुला लेती हो बार बार? सनी हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं और तुम शादीशुदा हो और रोज तुम मुझसे यही बोलते हो कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। तुम 2 साल से यही एक स्टेटमेंट मेरे को दिए जा रहे हो, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम उसे अलग होना ही नहीं चाहते। देखो बेबी ये क्या बोल रही हो तुम ये सब? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हें मेरी सारी सिचुएशंस पता है यार। मेरी माँ की हालत, जैसे उनकी थोड़ी सी तबीयत में सुधार आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा ना उनको। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, इसको मैं एक मैरिटल स्टेटस में बदल दूंगा, ट्रस्ट मी। बस थोड़ा सा टाइम दो, मेरी माँ को ठीक होने दो, क्योंकि माँ को तो साथ रखना है ना अपनी, चाहे बीवी को डिवोर्स देना पड़े। प्लीज समझो ना, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। पक्का ना? प्रॉमिस बाबा, तुम्हारी कसम। यार रिद्धि मेरी बात सुन, तू सन्नी जैसे लड़के पे कैसे ट्रस्ट कर सकती है यार? तुम दोनों को साथ में 2 साल हो चुके हैं, मुझे तो लग रहा है वो तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरी बात को समझ और उसे छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है साहिल, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे अच्छे से पता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वो सही वक्त आने पे वो अपनी बीवी को सब बता देगा, और तू जानता है ना उसके अपनी बीवी से टर्म्स अच्छे नहीं है। मैं मानता हूँ कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, बट उसकी माँ की तबीयत हमेशा तभी खराब रहती है जब कोई फेस्टिवल होता है या एनिवर्सरी होती है। मुझे तो लग रहा है वो तेरा पागल बना रहा है, वो खाली बहाना बनाता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तूने कभी सच जानने की कोशिश करी है? यार सच क्या जानूं इसमें, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सन्नी मुझसे बहुत प्यार करता है, और तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है उसे लेके? देख मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं तेरी जान बचाना चाहता हूँ ऐसे लड़कों से। तू खुद सोच, जो लड़का अपनी पत्नी का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? देख साहिब तेरी बातें ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मुझे इतना पता है कि सन्नी मुझसे बहुत 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 प्यार करता है, और मैं जानती हूँ कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा। देख मेरा काम तुझे समझाना था, मैं तुझे समझा रहा कि वो तुझे भी चीट कर रहा है और अपनी पत्नी को भी चीट कर रहा है। उसका मन नहीं है डाइवोर्स लेने का, अगर मन होता तो तेरे साथ रहता और उसको डाइवोर्स दे देता, पर तू समझ नहीं रही मेरी बात। देख मुझे कुछ नहीं समझ रहा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो मुझे चीट कर रहा है या मेरे साथ खेल रहा है। मैंने तो समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। सन्नी आने वाले होंगे, 10 मिनट बचे बस।
बार मेरे साथ ऐसा ही करता है। मेरी बात सुनो प्रीति, आई एम सो सॉरी यार। प्रीति प्लीज एक बार सुन तो लो यार, यार जब तक सुनोगी नहीं तब तक बात कैसे होगी यार। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? पिछले दो साल से तुम यही कर रहे हो और कल भी तुमने यही किया है। यार रिद्धि तो और मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ ना यार। माँ की तबीयत बिगड़ गई थी अचानक, आईसीयू में एडमिट किया उनको मैंने रात में। यार एक तो वो इशिका यार, उससे कुछ काम नहीं संभलता, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। और इधर तुम लड़ रही हो यार मुझसे, मैं क्या करूं यार। एक सेकेंड, आईसीयू में एडमिट। कोई बात नहीं यार, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। कब तक इस बुक में घुसा रहेगा, बात कर ले यार। क्या बात करूं तुझसे, तेरे को इतना कुछ मैंने समझाया, तू समझी? मेरे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है जब तेरे को करनी अपनी मन की है। तो भाई 10 मिनट बाद तू फिर मेरा बाप बनेगा, तो अभी बोल ले जो बोलना है। अच्छा एक बात बता, आया था वो तेरी एनिवर्सरी में? नहीं आ पाया। देख मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि वो नहीं आएगा, क्योंकि जब भी एनिवर्सरी होती है या कोई फेस्टिवल होता है या तुम दोनों मिलने का प्लान करते हो, वो हमेशा एक नया बहाना बनाता है। और हमेशा उसका बहाना रहता है कि उसकी माँ बीमार है। अबे तू खुद सोच, हर बार उसकी माँ बीमार हो जाती है क्या? अरे ओ, उसकी माँ की इस बार ना ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, आईसीयू में एडमिट थी यार। तू खुद सोच ना, अगर तेरी माँ आईसीयू में एडमिट होगी तो जाएगा क्या किसी से मिलने? मेरी बात सुन ध्यान से, उसने बोला कि उसकी माँ एडमिट है, तूने उसकी बात पे भरोसा कर लिया इतनी आसानी से? तूने कभी सोचा नहीं जब भी कोई फंक्शन या फेस्टिवल होता है उसकी माँ हमेशा बीमार हो जाती है, और वो हमेशा यही बहाना लगाता है कि मेरी माँ बीमार है, और तू उसकी बात मान लेती है। मैं कह रहा हूँ तू उसके प्यार में पागल हो चुकी है। अपना दिमाग लगा और सच जानने की कोशिश कर कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो तू क्या चाहता है, मैं उसकी वाइफ के सामने जाके कन्फ्रंट कर दूं कि मेरा और सन्नी का रिलेशनशिप चल रहा है? अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, तू ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रही है जो अपनी बीवी को चीट कर रहा है। आगे जाके अगर वो तुझे चीट करेगा तो क्या करेगी तू? क्या पता उसका रिलेशनशिप अच्छा उसकी वाइफ के साथ, वो तुझे झूठ बोल रहा, तुझे धोखे में रख रहा हो। मेरी बात मान, ट्राई करते जानने की कि सच क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये सब कैसे करूंगी? सुन मेरे साथ चल, पता लगा के आएंगे। चल यार साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, ये सन्नी है ना। हाँ ये तो सन्नी है, और ये तो इशिका है इसकी वाइफ। अब तू मुझे खुद बता, तुझे उन्हें देख के लग रहा है कि उनकी रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं? उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। इसको तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको बताती हूँ अभी। क्या बोलेगी वहां पे जाके बता? उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना, धोखा दिया उसने मुझे। अबे तू वहां जाके बोलेगी क्या, तेरे पे कोई प्रूफ है? वो तेरी बात क्यों मानेगी? तेरे पे कोई फोटो या वीडियो कुछ है ऐसा कि जिससे तू प्रूफ कर सके कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है? चलो ना फोटो लेते हैं। दीदी क्या कर रही हो यार, तुम्हें पता है ना मुझे फोटो लेना पसंद नहीं है। हर बार ऐसी हरकतें क्यों करती हो यार? अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सॉरी। डिलीट करो उसको। नहीं, सन्नी ने हमेशा मुझे फोटो लेने से मना किया था। इसका मतलब उसने दिमाग से खेला है, उसने जानबूझ के ना तेरे साथ फोटो ली ना वीडियो ली, क्योंकि उसको पता था कि अगर तेरे साथ वो फोटो वीडियो लेगा तो तू उसकी वाइफ को दिखा देगी।
तो मेरी बात सुन, अब हमें क्या करना है, हमको एक प्रूफ इकट्ठा करना है ताकि तू उसकी वाइफ को दिखा सके। ठीक है चल। मैं आपको ये सब बताना तो नहीं चाहती थी और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की। चाय चाय मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप पियेंगी? आप मुझे किचन दिखा दीजिए, मैं बना के लाती हूँ। किचन वहाँ है। आपको बुरा नहीं लगा? लगा था। जब सनी का पहला अफेयर सामने आया था ना, तब बहुत बुरा लगा था। पहला अफेयर मतलब? मतलब ये कि तुम सनी की जिंदगी में पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी कोई और थी, क्या पता तुम्हारे साथ भी कोई हो और तुम्हारे बाद भी कोई और होगी। असल में सनी जैसे लड़के ना कभी ये खेल खेलना बंद नहीं करते, उनकी जिंदगियों में लड़कियां बदलती रहती हैं। तो फिर मैं क्या थी उसके लिए? तुम, unfortunately, तुम इस खेल का हिस्सा हो। और आप? मैं सनी की पत्नी हूँ। सनी जैसे लड़के अपनी पत्नियों को कभी नहीं छोड़ते, हाँ वो बाहर खेलना बंद नहीं करते हैं बस। ये लो चाय पियो। तो आपने सन्नी को क्यों नहीं छोड़ा? हमारे यहाँ पतियों को छोड़ा नहीं जाता, घर वाले जिससे हमारी शादी कर देते हैं ना, हमें उसे निभाना पड़ता है। पर सन्नी ने तो कहा था कि उसके उसकी वाइफ के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं और उसकी माँ भी बीमार रहती है, इसलिए वो मेरे बारे में घर में नहीं बता पा रहा था। हर लड़की को वो यही बोलता है, और उसकी माँ को मरे हुए 4 साल हो गए। सन्नी ऐसे कैसे कर सकता, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, तो मैं क्या हूँ उसके लिए? तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो, और सनी जैसे लड़के लड़कियों को धोखा नहीं देते, बल्कि तुम जैसी लड़कियां खुद को धोखा देती हैं। देखो अपने आप को, कितनी सुंदर हो तुम, जवान हो, और तुम्हारा घर देख के लगता नहीं कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी है, तो क्यों पड़ी हो ऐसे मर्द के पीछे जो शादीशुदा है? छोड़ दो उसे। तुम्हें पता है बहुत सारी लड़कियों के साथ सनी के अफेयर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझे सनी के बारे में बता पाए, लेकिन तुमने ये हिम्मत दिखाई, आज एक हिम्मत मैं भी करती हूँ। ये लो, फोन करो सनी को।
सनी। हाय बेबी।